नमस्कार, मैं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 247 लाइव टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में वोटों की गिनती आज यानी मंगलवार को भी जारी है। अब तक आए नतीजों और रुझानों से एक बात तो स्पष्ट है कि जनता ने सभी सियासी दलों को एक कड़ा संदेश दिया है। वैसे तो सीधी टक्कर बीजेपी और सपा के बीच देखने को मिल रही है, लेकिन काफी संख्या में निर्दलीय भी जीते हैं। और इतना ही नहीं, कई सियासी दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी है। बलिया पंचायत चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। बलिया जिले से अब तक आए परिणामों में कई पार्टियों के दिग्गजों के रिश्तेदारों को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ दिग्गजों ने किसी तरह अपनी साख बचाई है। आपको बता दें कि नतीजे यह बता रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता ने सभी राजनीतिक पार्टियों को आईना दिखाते हुए जमीनी हकीकत बता दी है। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के बेटे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए हैं। राम गोविंद के पुत्र रंजीत चौधरी वार्ड 16 से चुनाव हार गए। उन्हें बसपा समर्थित प्रत्याशी असगर ने 1896 वोटों से हराया है। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह वार्ड नंबर 12 से चुनाव हारे हैं और कांग्रेस के एक और पूर्व जिला अध्यक्ष सच्चिदानंद तिवारी वार्ड नंबर 17 से चुनाव हार गए। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र यादव वार्ड 10 से चुनाव हारे हैं। हालांकि कई सूरमा अपनी साख बचाने में भी कामयाब रहे। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के पुत्र आनंद चौधरी चुनाव जीत गए हैं। वार्ड 44 से आनंद चौधरी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते हैं। वहीं अगर बात करें सपा की, तो सपा के जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव की पत्नी रंजू देवी वार्ड नंबर 42 से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई।